जब से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की खबर आई तब से आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र और इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम इस खबर को ऐसा लग रहा है मान लो छुपाने दबाने में लगा हुआ, मतलब उस तरह से बात ही नहीं हो रही। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी, मारपीट के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है। पहले तो ऐसा लगा जैसे मारपीट की बात ही नहीं मान रहे, एकदम चुप्पी साध लिए। फिर जब मारपीट की बात कबूल किए तो आप कोई इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में एक्शन क्या हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि मारपीट हुई तो आखिर इस मारपीट की वजह क्या थी। कोई ऐसे ही जाकर तो मारपीट नहीं कर लेगा, कोई ऐसे ही जाकर सांसद से बदसलूकी कर लेता है क्या, मुख्यमंत्री का पीए। अच्छा ये लोग खुद पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे, इतना कह संजय सिंह कला के बोले ना कि अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है, उन वो कह रहे हैं इस मामले में जो है एक्शन होना चाहिए, तो क्यों नहीं विभव को लेकर अभी तक गए हैं पुलिस के पास अपने, अभी तक इसका कोई जवाब। मतलब जिस तरह से ये सब चल रहा है ना उससे लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको टैकल करें। या तो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, और नहीं तो मामला इतना बड़ा है कि उसको समेटने में जो है रायता इतना फैला हुआ कि समेटने में दिक्कत हो रही। 13 मई की सुबह को केजरीवाल के सीएम आवास के ड्रॉइंग रूम में कुछ ऐसी बात पर मारपीट तो जरूर हुई जिसकी वजह अगर पता चल गई तो शायद तूफान आ जाए। इसलिए किसी तरह से इस मामले को ठंडे मामले पर ठंडा पानी डालने की कोशिश हो रही। आज स्वाति मालीवाल के मामले में जो डेवलपमेंट हुआ है पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह हुई कि सांसद संजय सिंह दिल्ली में स्वाति मालीवाल के घर पर गए, उनके साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्वाति मालीवाल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर गई है, उनका इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, वो भी दिखाऊंगा। चौथी बात, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी सच नहीं बता रही और मामले को दबा रही है, स्वाति की जान को खतरा है। पांचवी बात, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कल आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेने की बात कही थी लेकिन एक्शन के नाम पर ढेला भर कुछ नहीं हुआ अभी तक। छठी बात, केजरीवाल अब तक स्वाति मालीवाल के मामले में चुप हैं जबकि वो घूम घूम कर जगह जगह चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। चुनावी रैली कर रहे हैं लेकिन अपनी महिला सांसद के साथ ये सब हो गया, केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई वही कुर्सी पर बैठिए जिसमें पीछे भगत सिंह की फोटो है, बाबा साहब की फोटो लगाए हुए हैं, वहां कुर्सी पर बैठिए और बताइए ना भाई कि क्या हुआ ड्रॉइंग रूम। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई, मुख्यमंत्री के घर में हो गई, आरोप है कि एक महिला सांसद सीएम के घर में पिट गई, लेकिन केजरीवाल को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी चुनावी रैलियों और रोड शो में बिजी हैं। केजरीवाल मान लीजिए ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हो ठीक है हो गया, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधने से अरविंद केजरीवाल सवालों से बच नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने शीश महल पर चुप्पी साधी तो पब्लिक भूल थोड़ी गई शीश महल, उसी तरह से इस मामले पर को लेकर भी पब्लिक बहुत चर्चा कर रही है क्योंकि बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में ना केजरीवाल बोल रहे हैं ना इंडी गठबंधन के दूसरे लोग। जैसे आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो खड़गे और अखिलेश की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों से स्वाति मालीवाल पर सवाल किया गया लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जो लोग कर्नाटक में गठबंधन के साथी पर सवाल पूछने में एकदम आगे हैं, पूछना भी चाहिए, वो लोग इंडी गठबंधन के साथी के घर में, मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद के साथ ऐसा कैसे हो गया, उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं भाई। ये है महिलाओं के प्रति इनका डबल स्टैंडर्ड। देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी और स्वाति मालीवाल पर जब दो सवाल बैक टू बैक पूछे गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सवाल का जवाब तो दिया लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल को टाल गए। देखिए आप खुद देखिए क्या स्थिति है भाई। सर स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके आगे बीजेपी पर लंबा चौड़ा जवाब दिया लेकिन स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले वो। इसी तरह अखिलेश यादव से मीडिया ने अलग से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तभी इस बात की सच्चाई सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक पार्टी की सांसद का मामला है
उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। देखिए ये क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। दो दिन हो गए ये टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। दो दिन में जानकारी नहीं जुटा पाए। इंडी गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल, एक फोन ही उठा लेते अखिलेश यादव। ए अरविंद जी, क्या सुने हैं, आपके घर में मारपीट हो गई क्या, पूछ लेते। नहीं, अभी देखिए यही बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के यहां हुआ होता तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरे ब्रह्मांड से खबरें आ जाती कि देखिए कैसे घेरना है क्या करना है। महिला इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, किस पार्टी में क्या घटना हुई है, किस पार्टी से जुड़ी हुई घटना हुई है, इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। आज इस मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन के लिए केजरीवाल को किसी मुहूर्त का इंतजार है, या फिर जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि केजरीवाल के सारे राज विभव जानते हैं इसलिए उन पर कभी एक्शन ही नहीं होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वही सच है। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर है, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। इस मामले में आज दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि स्वाति मालीवाल उनकी सियासी दुश्मन तो हैं, लेकिन वो पहले एक महिला भी तो हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल से इस्तीफा देने तक की मांग की है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी कह रही है कि शीश महल के सुल्तान इस पर चुप क्यों है। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में रह चुकी है, उन्होंने कहा कि ये उन नेताओं की पार्टी है जिन्होंने निर्भया केस में सड़क पर उतरकर लाठियां खाई थी, और आज वही पार्टी महिला सांसद की पिटाई पर पर्दा डाल रही है। सुनिए एक बार शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कैसे सवालों से भाग रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है? क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इस बात पर वो मौन रखेंगे? ये वाजिब सवाल पूछा जा रहा है कि इंडी गठबंधन चुप क्यों है, कोई तो सवाल पूछ लो भाई। जैसे आज खड़गे के साथ अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे ही कल लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और बहुत मुमकिन है कि केजरीवाल वहां भी कुछ ना बोले। ना तो केजरीवाल इस मामले में मुंह खोल रहे हैं ना ही एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन इस पर लेंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक उस विभव कुमार पर कोई एक्शन नहीं हुआ जिस पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है। सवाल यह है कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल का गुस्से की बैटरी अभी लो है, जब वो चार्ज होगी और उनको भयंकर गुस्सा आएगा तब वो विभव पर एक्शन लेंगे क्या, या फिर वो विभव पर कभी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि विभव उनके बहुत पुराने करीबी हैं और उनको क्या कुछ ऐसी बातें पता हैं जिसकी वजह से केजरीवाल उन पर एक्शन नहीं ले सकते। तमाम सवाल हैं
लेकिन इसमें एक सवाल तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल वैभव पर क्या एक्शन लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पीए के पद से हटा देंगे या अपने घर से निकाल देंगे? वैभव तो पहले ही केजरीवाल के पीए की पोस्ट से हटाया जा चुका है, तो फिर वो वैभव पर क्या ही एक्शन ले लेंगे? असली एक्शन तो वैभव पर कानून लेगा, पुलिस लेगी, कोर्ट लेगा। होना तो यह चाहिए कि अब तक केजरीवाल को खुद अपने घर में पुलिस बुलाकर इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज उठा के देना चाहिए था। ये देखिए, ये सबूत है, वैभव ने ये किया है। और वैभव को खुद पकड़ते वहां से और कहते कि चलो पुलिस के पास, तुम क्या किया जी, मेरा नाम खराब कर दिया। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और उनकी टीम इस मामले को रफा दफा करने में जुटी, क्योंकि आज आप देखिए कि संजय सिंह अचानक स्वाति मालीवाल से मिलने उनके आवास पर चले गए। संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर पर जाते हुए और वहां से निकलते हुए तो दिखे। संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि संजय सिंह की स्वाति मालीवाल से बात हो पाई या नहीं हो पाई, घर पर स्वाति मालीवाल थी या नहीं थी। क्योंकि स्वाति मालीवाल की मां तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं। स्वाति मालीवाल के घर पर काम करने वाली है वाले हेल्प ने हमारी टीम को बताया कि स्वाति मालीवाल तो घर पर है ही नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि फिर स्वाति कहां है अगर वो घर पर नहीं है। स्वाति मालीवाल के घर से निकलने के बाद संजय सिंह ने भी कुछ नहीं बताया कि मालीवाल उनसे मिली या नहीं, अगर मिली तो क्या बात हुई। एक बार देखिए कैसे संजय सिंह स्वाति मालीवाल पर बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठे और चल दिए। संजय सर, एनी फर्दर एक्शन सर? संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? सो दी हर्ड, यू जस्ट सॉ संजय सिंह हैज लेफ्ट आफ्टर मीटिंग स्वाति मालीवाल एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कल यानी 14 मई को दो बार स्वाति मालीवाल के घर गई। पुलिस ने दो बार स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस से मिलने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल का आवास दिल्ली में डीडीयू रोड पर है। हमारी टीम भी यहां पर पहुंची, लेकिन स्वाति मालीवाल का स्टाफ किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। एक बार स्वाति मालीवाल के घर के बाहर से एक रिपोर्ट देखी। ये इस वक्त हम डीडीयू मार्ग पर उस टावर में मौजूद है जहां स्वाति मालीवाल का सरकारी आवास है। यहां पर स्वाति मालीवाल जो है वो तीसरी मंजिल पर रहती हैं और A2 टावर, ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसी A2 टावर में तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल जो है वो यहाँ पर रहती है। संजय सिंह यहाँ पर आए थे? संजय सिंह यहाँ पर आए थे? मेरे को नहीं पता, चीज़ कोई आईडिया नहीं मेरे को। अच्छा मैडम तो मैडम नहीं है, मेरे को नहीं पता मैडम है कि नहीं है। स्वाति मालीवाल कहाँ है? अब ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न होता जा रहा है। क्या वो घर पर है या घर पर भी नहीं है? क्या इसीलिए संजय सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाए कि स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई? क्योंकि भाई संजय सिंह, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये लोग तो वो लोग हैं कि कोर्ट में भी सुनवाई के लिए जाते जाते मीडिया कुछ पूछ ले तो जवाब देते जाते हैं कि तानाशाही चल रही है, ये चल रही है। ये लोग इतना मीडिया से फ्रेंडली है, मीडिया को बिना बोले कोर्ट के अंदर नहीं जाते। और यहां मीडिया पूछ रही है स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई, कहां है, बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठे चले गए। इस तरह